हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का सातवां महीना एक ऐसा स्टेज होता है जहां से बहुत से अलग अलग चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी का सातवां महीना शुरू हो चुका है तो आपका बेबी बम्प का साइज जो है वो भी काफी बढ़ चुका होगा, लेकिन इसके आगे अब और भी ज्यादा बेबी बम्प का साइज इम्प्रूव होगा क्योंकि बच्चे में आप वेट गेन होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका या फिर आपके बेबी का वेट कम है सातवें महीने के हिसाब से, तो अब आपको तैयारी करनी है कि आने वाले तीन महीनों में आपको अच्छे से खाना है, अच्छी डाइट लेनी है ताकि आपका और आपके बेबी का वेट अच्छे से गेन हो। इस समय बच्चे का वेट गेन होगा, बच्चे की हड्डियां और ज्यादा मजबूत होने लगेगी, बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होने लगेगा तीन महीनों में। तो आपको कैल्शियम अच्छे से लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना है। अगर आपके हाथ पैरों में कमर में दर्द रहता है तो आपको विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं रह पाता है और मां और बच्चे में कमजोरी रह जाती है। इस समय आपके बच्चे का ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए ब्रेन फूड जैसे कि वॉलनट, हरी पत्तेदार सब्जियां और पानी की मात्रा भी अच्छे से लें। इस महीने के बाद आपको आपके इम्यूनिटी पर भी ध्यान देना है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाती है तो आपका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही लो हो जाता है। अगर आपको तेज बुखार होता है तो बच्चे के विकास पर बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। अमरूद, संतरा, खट्टे फल, नींबू पानी, इनका सेवन अच्छे से करें। इसी के साथ साथ जंक फूड, मसालेदार खाना, हैवी फूड डिनर में बिल्कुल भी ना खाएं और जंक फूड को आप पूरी तरह से अवॉइड ही करें। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो हेल्दी ऑप्शन को चुनें, जैसे कि जंक फूड ना खाएं अपनी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए। अगर अब तक आप पैदल नहीं चल रहे थे, वॉक भी नहीं कर रहे थे, तो अब से शुरू जरूर करें। और अगर अब तक कर रहे थे तो ऐसा मत सोचिए कि इसके आगे हमें नहीं करना है, आपको आने वाले इन तीन महीनों में भी वॉक जरूर करना चाहिए। यह आपकी पूरी मांसपेशियों को टोन रखता है बॉडी। पैदल चलने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, यह आपको तनाव से भी बचाता है। प्रेगनेंसी में आपको जो भी शरीर में दर्द और तकलीफें होती है इससे भी राहत पाने में पैदल चलना आपको मदद करता है। ये एक तरह का व्यायाम ही है, तो इसलिए आप वॉक जरूर करिए। प्रेगनेंसी आठवें महीने से डिस्कम्फर्ट बढ़ जाते हैं, सोने में तकलीफ, उठने बैठने में भी आपको तकलीफ होने लगती है। इसके लिए आप जो प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं उसे भी यूज कर सकती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे से ट्यूनिंग के लिए आपको अब बच्चे से बात करना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप आपके बच्चे से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे और बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। और ऐसा करने से साथ ही आप स्ट्रेस से बचेंगे क्योंकि आप ज्यादा समय अपने बच्चे के साथ बात करने में गुजारेंगे। और बच्चे से बात करना ये गर्भ संस्कार का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस चीज को आप जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके आने वाले तीन महीने भी बहुत ही अच्छे से गुजर जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.